लाइव में स्वागत है दोस्तों। आज मैं यहाँ चित्तकूर धाम में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे जो कोरोना वायरस का लेके काफ़ी देश विदेश में हलचल है, हर पूरे उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी लोग परेशान भी हैं। और जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पे यहाँ कामता बाबा को बहुत तो लोग इसको जगह देते हैं, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। और 24-25 का अमावस भी आने वाली है अगले, तो काफ़ी लोग चिंता से परेशान हैं। और यहाँ पे लोग कामता बाबा के फटक बंद हुए हैं क्योंकि ये बीमारी के चलते कि लोगों को किस तरह से बीमारी हो सकती, इस कारण से सरकार ने रोक लगा दी है। यहाँ पे फाटक बंद है, यहाँ पे लोग बाहर से अपना करते हैं। जो यहाँ पे बिजनेस मैन है, जो दुकानदार, उन लोगों का कहना है कि आम लोगों को यह कोरोना वायरस के कारण चलते हुए हमें काफ़ी नुकसान आ रहा है और यहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहे। यहाँ पे पूरी बंदी चल रही है, सरकार ने यहाँ पे गेट बंद कर दिया कल से। और यहाँ पे जब तक ये सब नहीं हो जाए तब तक यहाँ का दरवाजा नहीं खुलेगा। यहाँ पे काफ़ी परेशान है। जहाँ सार्वजनिक जैसे बस अड्डा है, रोडवेज या कहीं भी आने जाने को भी रोक लग गई है, तो लोग काफ़ी परेशान है। बीमारी तो ये फैली है मगर उससे ज़्यादा लोग परेशान है। यहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ है, मैं लोगों से मिलाती हूँ कि इनकी क्या दिक्कत है, क्या कह रहे हैं। पाँच किलोमीटर इतने का माँ है क्या की 5 किलोमीटर की है। क्या नाम है? विद्याराम। कहाँ से आए? हम आए हैं आगरा जिले से। तो यहाँ आज फाटक बंद है कामता बाबा का, तो फाटक बंद था, लौट जा रहे। तो क्या हमेशा आते हैं कि पहली बार आए? नहीं, हम तो वही के आए। किस कारण से यहाँ पे फाटक लगा हुआ है? रोग की वजह से लगा हुआ है, कोरोना। चलो किस्मत तो है। क्या नाम है? रविंद्र तिवारी। कहाँ से आए भाई? रायबरेली। तो बरेली से तो दूर आए हैं। रायबरेली से तो क्या दर्शन मिले? दर्शन तो मिले हैं। ये तो फाटक बंद है। नहीं, फाटक बंद है लेकिन खिड़की से दिखते हैं, भगवान दर्शन होने चाहिए, और क्या करना है। अब चाहे उतनी दूर से कर लें और चाहे नजदीक से कर लें, इतना ही अंतर है। तो क्या लग रहा है बीमारी के कारण? हाँ, बीमारी को कोरोना। तो किस तरह से लोग बचाव करें? क्या फाटक बंद करने से बीमारी नहीं होगी? नहीं, ऐसा कुछ। फाटक प्रशासन की ये नीति है, थोड़ा से इस पे अंकुश लगाया जाएगा तो भीड़ थोड़ा कम पड़ेगी, मेरा तो यही ख्याल है। बाकी प्रशासन के जो हो, मेरा तो यही ख्याल कि नहीं, अंकुश लगा के थोड़ा सा भीड़ कम किया जाए। 5 किलोमीटर परिक्रमा कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। क्या नाम भैया? बलराम। कब से फाटक लगा है ये बंद? ये फाटक कल दोपहर 2 बजे से बंद है। क्या इससे किस तरह का असर होता है? इसमें कोई असर नहीं है, ये है कि आने जाने वाले यात्रियों का सुविधा बिगड़ी हुई है। यात्री लोग नहीं आ रहे हैं, यात्री लोगों से ना आने के कारण यहाँ बीमारी नहीं आएगी, इसलिए प्रशासन ने बंद करवा रखा है मंदिर को। पूरे चित्रकूट के कामतानाथ पूरा परिक्रमा मार्ग पूरा चित्रकूट बंद हो चुका है। तो क्या इससे जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उन अब व्यापारी लोग अब क्या कर सकते हैं? प्रशासन से कौन लड़ सकता है? ये तो आप लोग भी जानते हैं, प्रशासन से कोई नहीं लड़ सकता है भाई। गरीब लोग हैं, अपना पेट तो चलाएंगे ही किसी न किसी तरह, व्यापारी क्या कर सकता है। तो कब तक का देश है बंद होने का? 31 तारीख तक का देश। तो 31 तक नहीं खुलेगा कोई मंदिर? 31 तारीख तक कोई मंदिर नहीं खुलेगा, इसके बाद फिर खुलेगा हर मंदिर।
तो क्या यहाँ पे कुछ नोट या कुछ सरकारी कुछ लगाया गया? लगा है, किट लगा हुई है, सरकारी किट चपकाई है। कल ये डीएम कलेक्टर डीएम साहब सब थे, जब मंदिर सारे बंद हुए हैं उन्हीं ने बंद करवाया। तो क्या लग रहा है ये बीमारी कब तक रहेगी, किस तरह से? देखो इस बीमारी, ये बीमारी एक हवा का झोंका है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं दे सकता, ये कोई किसी को बता के नहीं आ सकता। क्योंकि मैंने अभी इस सुबह वाली न्यूज में देखा है, कानपुर अपने लखनऊ तक की बीमारी आ चुकी है, 13 राज्यों में फैल चुकी है। इसके बारे में कोई किसी को कह नहीं सकता, सब अपने अपने सतर्क होकर के रहे। तो किस तरह से लोग बचाव कर रहे हैं बीमारी को लेकर? अब बचाव को कोई दवा का उपयोग कर रहा है, कोई हाथ धुल रहा है, कोई साबुन से हाथ धुल रहा है, कोई हैंडी केप लगा रहा है, सब अपनी अपनी बचत में अपनी अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो क्या जो हमारे भारत में भाईचारा का व्यवहार, वो व्यवहार में किस तरह का असर आएगा? तब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए एक आदमी के बस का तो नहीं, पूरे विश्व में छाया हुआ, जो शासन प्रशासन पूरे देश में होगा वो अपने चित्रकूट धाम में ही होगा। क्योंकि जो बहुत करीब है उन लोगों से भी लोग मिलने को डरते हैं। जी बात तो सही कह रहे हैं, मगर अब अपन लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप बोलेंगे थोड़ी सी? हाँ बिल्कुल बोले, बोलिए महाराज। ये कहाँ कौन सी मीडिया है? खबर है ये। अच्छा खबर है, महोदय से करता है। हाँ, बोलना रुक जाए। क्या नाम है दादाजी? मेरा नागा राघवेंद दास। कहाँ के रहने वाले हैं? कामता अरिता, कामता नाथ मंदिर में रहते हैं। तो कब से रह रहे हैं यहाँ? करीब 25-28-30 साल से होंगे। क्या जो ये पहली बार ऐसी हुआ है? हाँ ये तो हमारे पीरियड में पहली बार ही ऐसा महामारी टाइप का ये प्रकोप है। तो क्या लग रहा है किससे, किस तरह का बचाव करना चाहिए, किस तरह जो सरकार कर रही है सही कर रही है? सरकार जो कर कदम उठा रही है तो गलत नहीं है, सही है। और हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में ना रहें। जो 5-6 बार जो उन्होंने वार्निंग दी है कि 5-6 बार हाथ धो, तो 5-6 बार हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, भीड़ में ज़्यादा रेंज बना के रहना चाहिए। हम लोगों को ये करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक की बात नहीं है, ये बहुत बुरी तरह जो फैलता है तो बहुत बुरी तरह फैलता है। ये इसके उदाहरण बहुत देश हैं। हमारे यहाँ तो कुछ बहुत सरकार कर रही है जो सतर्कता, यहाँ की जनता भी कर रही है, काफ़ी हद तक बचाव है। यहाँ तो अभी हाल कुछ नहीं है ऐसा, पर नहीं जाना जाता कहीं से ऐसा कोई बाहरी आ जाए वो हो जाए, तो इसके दृष्टिगत प्रशासन सतर्क है, जनता को भी सतर्क कर रहा है। और जो भी रह गई दुकानों का सबका, तो प्रभावित तो सब होते हैं, पर इसके साथ साथ उनके साथ में ये भी लगा है कि यदि जीवन रहा तो कुछ भी कमा सकते हैं, जीवन न रहा तो क्या होगा। ये महाप्रलय है, इसको तो बड़े उससे पालन करना चाहिए। तो जो यहाँ के पुजारी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो हाँ, उन लोगों को किस तरह से? नहीं नहीं नहीं, हमारी जो पूजा है तो टाइम से पूजा होती है। हम लोग खुद आश्रम में 100-150 आदमी हैं, बाबा हैं तो अपना सब अपने सामूहिक जिनको हम जानते हैं वो तो अपना आते हैं रहते हैं, चूँकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, बाहरियों से थोड़ा सा परहेज दूरियां बनाते हैं। नहीं हमारे नित्य तीनों टाइम पूजा होती है। तो क्या सब... जैसे पहले हाथ मिलाते थे भाईचारा में, अब मिलाते हैं? नहीं नहीं हाथ नहीं मिलाते, वही बिल्कुल हाथ जोड़ के सब नमस्ते राम राम होता है, न मिलाना चाहिए। क्या है मान? क्या नाम भैया? राजू। यहाँ पे कब से आप दुकान?
दुकान ये के लिए आइसक्रीम की लगाते हैं 20 साल 20 साल तो 20 साल लोग नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों किस नहीं आ रहे हैं बंद कर देंगे एक दो दिन के बाद बंद क्या करेंगे क्या करेंगे आगे क्या घर में रहेंगे जो होगा नमक रोटी अपना ऊपर पाल करेंगे और क्या क्योंकि आपका यही जरिया था कमाने का अब इसके आगे अब क्या बता सकते क्या होगा किसी ने देखा नहीं है आप भी कभी सुना है कि क्या कोरोना वायरस किस तरह का सुना तो बहुत है लेकिन अब सुना है खाली अब देखो ईश्वर की महिमा है क्या करती है वो देखना ही पड़ेगा आगे जो होगी होगा देखा जाएगा तो बिक्री हुई तब से तो 150 रुपये बस बहुत कम नहीं दिन भर में कितना कमा लेते हैं दिन भर में 200-300 रुपये तो आधा हुआ अरे अभी कहाँ हुआ अभी तो लागत भी निकलने कम से कम 1000 रुपये की तो डेली लागत ही है अब दूध का है आइटम तो उसके लिए जो है खराब नहीं हो जाएगा जो बिक्री नहीं होगा अब कल से बंद ही कर देंगे अब क्या किया और कोई धंधा ही नहीं है अपना व्यवसाय यहाँ चित्रकूट में कामता बाबा बहुत प्रसिद्ध धाम है यहाँ पे जो जितने धाम के मंदिर है बड़े बड़े ये सब बंद कर दिया गया है डीएम द्वारा यहाँ पे कि यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं यहाँ पे आ न सके कि बीमारी और ज़्यादा फैली इस कारण से यहाँ पे फाटक बंद है और काफ़ी लोग जानते भी हैं कि जो बाहरी के लोग आएंगे तो हम लोगों को बीमारी न हो इसलिए हर जगह रोक लग रही है क्या बस यही बीमारी क्या नाम है इसका आपका बबली कहाँ से आई हैं हमीरपुर से तो क्या यहाँ पे परिक्रमा करने आई कि दर्शन करने दर्शन करने परिक्रमा करने दोनों तो क्या यहाँ पे दर्शन मिला हाँ दर्शन मिला पटबंद है इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या किस तरह से लोग जो पुराना वायरस को लेके आप लोग सुने नहीं नया को लेके ये अभी चालू हुआ है सुना है चालू है तो किस तरह से लोगों से बचाव कर रही हैं किस तरह से लोगों को बचाव करना चाहिए बचाव के लिए क्या यहाँ क्या मालूम भी किसको क्या है क्या नहीं है तो मान लो चल फिर रहे हैं सब लोग पता थोड़ा किसको क्या है अभी तो कुछ सुनाई भर दे रहा है लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप ट्रेन के सफ़र किए हैं तो किस तरह से किए हैं से आएंगे तो किस तरह से बचाव करके आएंगे हम तो ऐसे आए हैं कुछ बचाव नहीं किया क्योंकि सरकार कहती है कि अपना मुंह बांध के चलना चाहिए हाँ तो हम तो मुंह नहीं बांध के चल रहे ऐसे छुट्टा चल रहे हैं हाँ ना मुंह बांधा ना कुछ खाते पीते बस ऐसे चले आए हैं तो क्या जो लोग कहते हैं 10 मिनट में मुंह हाथ धुलना चाहिए तो क्या कर रही हैं 10 मिनट में कहाँ धुलते हैं जब खाना खाते हैं तब धुलते हैं टट्टी पेशाब जाते हैं तब धुलते हैं बस इसके बाद भी अब आदमी चलता फिरता है तो कहाँ धोता है इतना खाते जाइए ना हाँ तो जो यहाँ पे जो मजदूर आदमी है जो 12 महीना खेती का काम करते हो कब तक धुलेंगे हाथ कब तक धुलेंगे कहाँ धुलेंगे बेचारे अब काम में लगे हैं कहाँ तक धुलेंगे तो काम कर रहे हैं कहा वो हाथ भी नहीं धोते ऐसे खा लेते हैं कल तो हमने बांदा में देखा कचरा पेटी में पड़ा वो किसी का जूठा उठा के खा लिया कचरा बीन रहा था इसके बाद देखा ट्रेन वो उसके पटरी में पड़ा था वो बोतल उसकी उसका पानी पी लिया आई इसके बाद वो और पड़ा था कागज में उसको उठा के खा लिया और उसी तरह हाथ सब सना है उसका तो क्या इससे सरकार नहीं रोक लगा रही कि ऐसे जो हाँ बीमारी नहीं होगी हाँ उससे तो ज़्यादा होगी चालीस रुपया
रुक जाइए रुक जाइए, सामने लगाना नहीं, नहीं। ये सरकारी नोटबुक लगी हुई है कि यहाँ पे 31 अप्रैल तक यहाँ पे बंद रहेंगे, जहाँ पे लोग श्रद्धालु बाहर के ना आ सके। यहाँ पे जो लाखों आदमी यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं और 12 महीना लोग आते हैं परिक्रमा करने, मगर ये इतनी ये जगह सुनसान है कि बीमारी के फैलते हुए लोग अब डर रहे हैं, और लोग भाईचारा जो है वो भाईचारा का रिश्ता टूट रहा है, और लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं, दूरी से बातचीत कर रहे हैं कि ये बीमारी किसके पास है, किसके पास ये बीमारी चली जाए। और अपने तरफ से सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है और लोगों को मना कर रही है, और करे सुविधा अपने से स्वयं सोचो। क्या नाम भैया? गोरेलाल साहू। कब से बंद है? कल 3 बजे से। तो आप लोग क्या भी करते हैं? कुछ नहीं, खड़े हैं, लोकल का आदमी ले जाता है यहीं का रोज वाला जो है। तो क्या बिक्री हो रही है? नहीं कुछ नहीं। तो अब इससे आगे क्या करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? परिवार कुछ दिन तो बंद ही रहेगा, तो इस परिवार तो चलेगा ही किसी तरह से, कोई दूसरा मेहनत करेंगे। तो क्या पहले भी ऐसे कभी हुआ है? पहले नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्या ये बीमारी से किस तरह से आप लोगों को असर हो रहा है? अब ये तो हम नहीं बता सकते। आप लोग किस तरह से बचाव करते हैं? हम लोग कैसे बचाव, हम लोग तो कैसे ऐसे जो रोज का हम तो ये नहीं मानते। पहले तो आदमी कहता है मनो अछुआ हुआ ये आया फलाना, हम तो ये नहीं मानते सब। जो फ्रेज सरकार बता रही है वो कर रहे हैं आप? हम तो नहीं कर रहे। बस थोड़ी सी बीमारी को लेके जो बंद की गई सरकार का सरकार। क्या नाम भैया जी? राहुल पांडे नाम है। कहाँ के? कामतन से हूँ मैं, कैरोन। जी जी बोलिए। आज गेट बंद है, इससे लोगों को किस तरह से असर कर रहा है? ये बीमारी किस तरह से लोगों को हला रही है? जिन्हें बहुत डर रहे हैं, भाईचारा से भी डर रहे हैं, किसी से हाथ नहीं मिला रहे हैं। नहीं, भाईचारा हाथ मिलाने से ही नहीं हो जाता है, ये बचाव ही सुरक्षा है। कोरोना एक महामारी बीमारी है। हाँ। इससे अपन जितना सेफ्टी और सेफ रहेंगे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। और ये तो सामाजिकता की रही जहाँ बात, तो वहाँ पे अपन सोशल है ही है, अपन एक दूसरे से हाथ जोड़ करके अभिवादन कर सकते हैं। और कोरोना बचाव ही सुरक्षा। और रही मंदिर की व्यवस्था, मंदिर क्या कैसा, तो यात्री खुद समझ रहे हैं। और शासन की एक बहुत अच्छी पहल है कि चित्रकूट में अभी तक कोई भी ऐसा कोरोना का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं पाया गया, और जितना ही बचेंगे उतना चित्रकूट वासियों के लिए अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे आज दरवाजा जी 31 मार्च तक दरवाजा बंद है, ऐसा नगर पंचायत प्रशासन सीएमओ साहब का आदेश की वजह से। सब जितने संत लोग हैं, साधु संत लोग हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, तो अच्छा है अपने चित्रकूट बचाव के लिए और आपसी सौहार्द के लिए सब अच्छा है। किस तरह से लोग बचाव कर रहे हैं, किस तरह से बचाव करना है? बचाव यही है कि बचाव के लिए अपन एक दूसरे के प्रति मास्क लगा करके अपन बात करें, जितना हो सके तो दूर से ही करें, अपना नहा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
यही बेटर है। जी हम मास्क लगाए जी, हम मास्क जरूर नहीं लगाए, मास्क मिला नहीं, कर भी गए थे मास्क लेने ही गए थे लेकिन एक्चुअली मास्क नहीं मिल पाया। मेडिकल में या सरकारी अस्पताल? जी नहीं, हम प्राइवेट उसमें दुकान पे गए थे, क्योंकि उसकी बिक्री ज़्यादा हो गई इसलिए मिल नहीं रहा। अब ये तो नहीं कह सकते, था नहीं तो उसने कहा अभी नहीं है, अब ये तो नहीं कह सकते। आप उसमें जुड़े हुए ग्रुप में, तब मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ रामघाट की जो कामता बाबा की यहाँ की दुकानें हैं, यहाँ के दुकानदार ऐसे बैठे हैं कि लगता है यहाँ पे इनकी कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं भरा। आइए मैं कुछ दुकानदारों से मिलाती हूँ कि उनकी क्या समस्या है, क्या राय है। क्या नाम भैया? कृष्णा शुक्ला। हाँ, तो किस कारण से यहाँ पे बहुत शांति है? कोरोना की वजह से। तो क्या लग रहा है कब तक ये शांति रहेगी? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है कब तक शांति रहेगी, जब कोरोना का वायरस खत्म हो जाएगा तो शांति खत्म हो जाएगी। इससे आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है दुकान में या खरीदारी में, किस तरह से लोग आ रहे हैं? लोग आ ही कहाँ रहे हैं कि दुकानदारी में पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। तो कैसे घर चलेगा? कैसे घर चलेगा, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा फिर चालू होगा, फिर देखा जाएगा जैसा भी। तो यहाँ का फाटक कब तक बंद रहेगा? पेपर में आए 14 दिन के लिए बंद है अभी, तो 14 दिन के बाद खुले। आप लोग की जो हमारे साथी है तो किस तरह का विचार रहता है, क्या उम्मीदें होती है कि लोग आएंगे, बिक्री होगी, आपका घर चलेगा? बस व्यापारी है, नारियल लगते हैं तो कम से कम यही उम्मीद तो रखते ही है कि व्यवसाय अच्छा होगा। बस बस लंग महाराज विंटर जूते जो पहले आप वो बुजुर्ग आदमी आप उनसे दीजिए। हाँ, ये कोरोना वायरस। अच्छा, क्या नाम है? हमारा लोटन राम। तो ये कोरोना वायरस किस तरह का है, किस तरह से लोग प्रभाव पड़ रहे हैं, किस तरह से डरते हैं? अब ये तो एक छुआछूत की बीमारी बता रहे हैं, ये जो है बीमारी कारण से यहाँ पे तो खैर नहीं है लेकिन ये सब मंदिर बंद करा दिए ताकि भीड़ भाड़ न हो, लोग दूर से आ न सके, ये संक्रमण रोग इसको बताते हैं, इसीलिए सब कल से 10-12 दिन के लिए मंदिर भी बंद करा दिए। जिससे आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है होने से? हमारा नुकसान यही है कि बस दुकानदारी जब मेला ना आएगा तो कोई बात नहीं, रोग तो ना आएगा यहाँ भाई, ये छुआछूत का लोग आएंगे बाहर से बसों में टेम्पो में, यहाँ भीड़ में मंदिरों में भीड़ मच जाती है, भीड़ मची तो भीड़ में तो फैलेगा ही, इसलिए मंदिर बंद है, ये पेपर में भी निकाल दिए, सबको मालूम हर जगह मंदिर बंद। भाई दुकानदारी तो सब दिन